हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबुल स्टडी। दोस्तों, हम रोज़ आपके लिए पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि आपके होने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इन्हें जल्द से याद कर लें। आज का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या एक। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 5-6 के कोटि का मान क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 6, बी में है 7, सी में है 8, ऑप्शन डी में है 9। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दो। वाई अक्ष से बिंदु 3-5 की दूरी क्या है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 7, बी में है -7, सी में है 8, ऑप्शन डी में है 3। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीन। बिंदुओं ए में 4-5 तथा बी में 6-5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 5-7, बी में है 7-8, सी में है 5-5, ऑप्शन डी में है 7-9। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5-5। और अगला प्रश्न प्रश्न संख्या चार। क्या तीन बिंदु संरेखा होगी यदि उनमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 0, बी में है 8, सी में है 7, ऑप्शन डी में है 9। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या पाँच। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 की कोटि का मान क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 0, बी में है 4, सी में है 7, ऑप्शन डी में है 9। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या छः। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8-9 में भुजा का मान क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 8, बी में है 4, सी में है 7, ऑप्शन डी में है -9। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 8, बी में है रूट अंडर 2, सी में है 7, ऑप्शन डी में है -9। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूट अंडर 2। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 8, बी में है 1, सी में है 7, ऑप्शन डी में है अनगिनत। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना का हो सकता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 50 डिग्री, बी में है 90 डिग्री, सी में है 360 डिग्री, ऑप्शन डी में है अनगिनत। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360 डिग्री। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। किसी बाध्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 5, बी में है 9, सी में है 2, ऑप्शन डी में है अनगिनत। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। बिंदु पी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से पी की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 5 सेंटीमीटर, बी में है 9 सेंटीमीटर, सी में है 7 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है 20 सेंटीमीटर। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। बाध्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है असमान, बी में है समान, सी में है दोगुनी, ऑप्शन डी में है आधा। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है आयत, बी में है वर्ग, सी में है समचतुर्भुज, ऑप्शन डी में है समलंब चतुर्भुज। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समचतुर्भुज। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14।
यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है 7 सेंटीमीटर, बी में है 6 सेंटीमीटर, सी में है 9 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है 8 सेंटीमीटर। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। और अगला और आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है 2:1, बी में है 4:1, सी में है 7:1, ऑप्शन डी में है 3:1। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2:1। दोस्तों इसी प्रश्न के साथ होता है आज का हमारा वीडियो खत्म। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।